और दुनिया के तीन देशों में हिंसा की लपटें देखने को मिली हैं, जिसमें एक है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है स्वीडन और तीसरा है यूएस। जोहान्सबर्ग में सड़क पर गोलीबारी हुई, यूएस के विस्कॉन्सिन में आश्रित लोगों का हंगामा, तो स्वीडन के माल्मो में भड़के सांप्रदायिक दंगे। ये तीन जगह, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और यूएस, यहां पर सड़कों पर किस तरीके से हिंसा और आगजनी हुई है उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वजह भी अलग अलग रही है। यूएस के विस्कॉन्सिन में जहां पर अश्वेत लोगों का हंगामा देखने को मिला है, वहीं स्वीडन के माल्मो में सांप्रदायिक दंगे भी भड़के हैं। किस तरीके से लोग सड़क पर उतर आए हैं, दंगे हो रहे हैं, उसकी तस्वीर स्वीडन में देखने को मिली है। ये दुनिया के ऐसे तीन देश हैं जो इस वक्त हिंसा की आग में जल रहे हैं। जोहान्सबर्ग में सड़क पर गोलीबारी और उसके बाद लोगों का सड़क पर उतर आना, ये तीन तस्वीरें, तीन अलग अलग मुल्क, तीन अलग अलग जगह, लेकिन हिंसा एक जैसी। तीनों जगहों पर हिंसा का कारण सिर्फ और सिर्फ नफरत है। जोहान्सबर्ग इसीलिए जला क्योंकि वहां पुलिस ने खुलेआम गोलीबारी की। स्वीडन इसीलिए धधक रहा है क्योंकि वहां पर मजहबी नफरत को फैलाया गया। और अमेरिका से उठती चिंगारी की वजह है नस्ल भेद। पहले भी इसी तरीके से अमेरिका में कई घटनाएं सामने आई हैं, नस्ल भेद की घटनाएं, जिसके बाद कैंपेन भी चलाया गया और लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरे। और तीनों देशों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ हिंसा है, सड़कों पर गोलियां चल रही हैं और अपनी ताकत पर गुमान करने वाले मूक दर्शक बने बैठे हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।